हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू एंड टिप्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हेयर डाई का रिव्यू। चलिए फिर वीडियो शुरू करती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो अगर आपने अभी तक कोई भी हेयर डाई यूज़ नहीं किया है, आप फर्स्ट टाइम हेयर डाई यूज़ करना चाहते हैं, तो ये दोनों ही हेयर डाई बहुत अच्छे हैं। ये है, सबसे पहले मैं बात करती हूँ बायोटिक हर्ब कलर कंडीशनिंग कलर नो अमोनिया केयर एज यू कलर, और इसका शेड है 3N डार्केस्ट ब्राउन 100% ग्रे कवर विद 9 ऑर्गेनिक हर्बल एक्सट्रैक्ट्स 15 मिनट इजी एप्लीकेशन। 15 मिनट लगाना होता है इसको। लिखा है लास्ट अप टू 26 शैम्पूज। इतना ज़्यादा तो खैर ये नहीं चलता, लेकिन हाँ 15 से 20 दिन तक आराम से, ये एक बार लगाने के बाद 2 हफ्ते तक आराम से चल जाता है ये। और यहाँ इस पर लिखा हुआ है नेचुरल एंड हेल्दी शाइन वाइब्रेंट रिच लॉन्ग लास्टिंग कलर। यहाँ लिखा है नेचुरल 100% हर्बल एक्सट्रैक्ट, और ये इसका वेट लिखा हुआ है 50 ग्राम प्लस 110 ml। इसके साथ डेवलपर आता है, और यहाँ पर इसका शेड दिए हुए हैं। इसमें कितने शेड आते हैं, 3 शेड आते हैं इसमें। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कैसे कैसे आपको इसको यूज़ करना है, और ये यहाँ पर इन्होंने दिया है कि आप इसको स्किन टेस्ट ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, वैसे मेरी स्किन सेंसिटिव है तो मुझे बहुत अच्छे से सूट करता है, तो हो सकता है ये मुझे सूट करता है ये दोनों ही और आपको सूट ना करें, तो उसके लिए आप एक बार कान के पीछे थोड़ा सा लगा करके टेस्ट कर सकते हैं कि आपको ये सूट करता है कि नहीं, उसके बाद ही आप इसको लगाएं। और ये इसके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, इसमें हैं ब्लैक टी, गुड़हल, शिकाकाई, एवोकाडो ऑयल, आर्गन ऑयल, भृंगराज, ये सब इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं। चलिए मैं दिखा देती हूँ इसके अंदर, और यहाँ पे इस पर लिखा हुआ है इसके अंदर क्या क्या है। दिस किट कंटेंस प्योर क्रीम कलरेंट 50 ग्राम की क्रीम डेवलपर है, नरिशिंग कंडीशनर आता है इसके साथ जो कि फ्री सैंपल के तौर पे दिया जाता है, नरिशिंग शैम्पू आता है 25 ml का, और ग्लव्स आता है 1 pair ऑफ ग्लव्स, यूजेज इंस्ट्रक्शन लीफलेट आता है इसके साथ। चलिए अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ये इसके अंदर आता है ट्यूब, कलर ट्यूब है ये, और इसके साथ एक ये आता है डेवलपर, काफ़ी अच्छी पैकिंग है इसकी, और साथ में इसके मिलते हैं ये ग्लव्स एंड ये शैम्पू और ये कंडीशनर। इसके इस सैंपल दिए हुए हैं इन्होंने छोटे छोटे जो कि बहुत ही क्यूट लगते हैं, और तो ये सब इसका आता है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को बराबर मात्रा में, कलर को और डेवलपर को दोनों को बराबर मात्रा में मिला करके अपने बालों पर लगा लेना है। पानी वानी मिलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। अपने बालों पर अच्छे से जड़ों से लेकर के पूरे बालों में लगाना चाहते हैं तो पूरे बालों में, या जहाँ जहाँ आपके ग्रे हेयर हैं वहाँ इसको लगा करके आप उनको कवर कर लें, और 15 मिनट के बाद धो लें, तो आप देखेंगे आपको बहुत ही अच्छा कलर मिलेगा। और ये शेड बहुत ही अच्छा है, डार्क ब्राउन शेड है। अगर आपको ब्लैक चाहिए तो आप इसको थोड़ा सा 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगा लें तो आपको ब्लैक शेड मिल जाएगा। तो ये तो हो गई है बात बायोटिक प्रोडक्ट्स की कि इसमें क्या क्या आता है। ये सब, ये एक ग्लव्स आते हैं इसके साथ में, और चलिए अब बात करती हूँ इसके प्राइस की। तो इसका प्राइस है 250 रुपीज़। ऑनलाइन थोड़ा डिस्काउंट पे भी मिल जाता है ये, तो सही रहता है, हर्बल है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। दूसरा मेरा है गार्नियर कलर नेचुरल हेयर डाई, और इसका शेड भी है मेरा 3 डार्केस्ट ब्राउन। ये बहुत अच्छा शेड होता है, आपको ना ये ब्राउन होता है और ना ही ये ब्लैक होता है, तो बहुत ही अच्छा शेड आता है आपके बालों पर। यहाँ इन्होंने लिखा है हेयर कलरेंट कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जी अलर्ट टेस्ट मस्ट बी डन 24 आवर्स बिफोर यूज़। तो इसको यूज़ करने से पहले आपको एक टेस्ट कर लेना है, अपने कान के पीछे बालों पे थोड़ा सा आप लगा करके देख लें, अगर आपको सूट करता है तभी आप पूरे बालों पे लगाएं। यहाँ इस पर लिखा है 8 वीक्स कलर लॉक, जो कि बिल्कुल नहीं है। अगर आपके बाल सफ़ेद हैं, आप सफ़ेद बालों को कवर कर रहे हैं, तो उसके लिए 2 हफ्ते ही चलता है, 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं।
यहाँ इस पर लिखा है नो अमोनिया, मैंने दिखाया था बायोटिक का भी नो अमोनिया प्रोडक्ट है और ये भी नो अमोनिया है, और इसके यूज़ से आपके बाल हो जाएंगे सिल्की शाइनी और 100% ग्रे कवरेज देता है ये, नेक्स्ट हेयर बेटर कलर। यहाँ इसके ऊपर लिखा हुआ है कैसे कैसे यूज़ करना है, क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी है इसको लगाते टाइम, और इस पर हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। यहाँ पर भी इन्होंने दिया हुआ है पिक्चराइज करके कि कैसे कैसे आपको इसको लगाना है। आपको इसमें भी क्रीम और डेवलपर दोनों आते हैं, दोनों को बराबर मात्रा में लेकर के लगा लेना है, लेकिन इसको आपको लगाना है 30 मिनट के लिए, आधा घंटा आपको आप इसको लगा करके रखेंगे, उसके बाद आप इसको धो देंगे, शैम्पू की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको लगाने के बाद। और इसका प्राइस है 180 रुपीज़, ऑनलाइन परचेज़ करेंगे तो आपको ये 150 तक का मिल जाएगा आसानी से। इसमें भी 3 शेड्स आते हैं, ब्राउन, डार्क ब्राउन और ब्लैक, तो आप जो भी आपको शेड पसंद हो आप वो ट्राई कर सकते हैं। और इसके साथ भी आता है क्रीम, कलर क्रीम ट्यूब और डेवलपर, और इसके साथ कंडीशनर के 2 सेशे आते हैं और ग्लव्स आता है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ये इसके साथ आता है कलर ट्यूब और ये डेवलपर। और ये ग्लव्स का पैकेट है और इसके अंदर ही ये 2 कंडीशनर के सैशे हैं, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये लीफलेट है आपको कैसे यूज़ करना है इसको, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है इस पर। ये ग्लव्स है और ये 2 सेशे आते हैं कंडीशनर के, इसके बाद आपको शैम्पू नहीं करना है, सिर्फ कंडीशनर लगाना होता है। तो आप इन दोनों में से कोई भी ट्राई कर सकते हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हेयर डाई हैं। यहाँ ऊपर भी इसका शेड नेम लिखा हुआ है 3 डार्केस्ट ब्राउन। तो अगर आपने अभी तक कोई भी हेयर डाई यूज़ नहीं किया है और आप चाहते हैं कि आप अपने बालों को डाई करें, तो आप इन दोनों में से कोई भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या नहीं है तो भी आप एक बार अपने कान के पीछे थोड़ा सा लगा करके बालों पर इसको टेस्ट कर लें, ताकि उससे आपको पता चल जाए कि इससे आपको कोई एलर्जी या कोई जलन महसूस तो नहीं हो रही, उसके बाद ही आप इसको लगाएं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।